आपने बायो का काम कर लिया तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने में क्या था फिर? चलिए बेटा, लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्टली, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ इज मैटर अराउंड द स्फीयर, किसी टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा. वी कैन रिपीट दैट टॉपिक. चलो राइट डाउन. How the questions can be asked to you for the MCQ part? Which of the following falls in the category of pure substance? So, which of the following falls in the category of pure substance? You have to tell. इसमें से कौन से pure substances हैं? Ice. Just raise your hands. मिल्क, आयरन, HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, ब्रिक, वुड एंड एयर. यू हैव टू टेल द प्योर सब्सटेंसेस इन द, जस्ट रेज योर हैंड. अ प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन रिकॉल करो और आंसर बताओ मुझे. हाँ जी, फर्स्ट आइस, आयरन, HCl, एनीथिंग एल्स, वुड. फिर वुड क्यों बोल रहे हो? कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है. एनीथिंग एल्स? So out of this, ice, iron, HCl and mercury, these all are the pure substances. Brick, calcium oxide, air, wood and milk, they all are the mixtures. जो इन प्योर सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करोगे तब बनेंगे. कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा कैल्शियम और ऑक्सीजन से. ब्रिक बनेगी स्टोन्स के साथ. ठीक है, तो स्टोन्स जो है दे आर द एलिमेंटल पार्ट. उनको जब हम कंबाइन कर देंगे उसके बीच में इम्प्योरिटीज वगैरह कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है. एयर, एयर तो ऑलरेडी मिक्सचर है गैसेस का. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. वुड, वुड भी जो है वो क्या है? इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू क्लासिफाई द होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फ्रॉम देम. सोडा वाटर, जस्ट रेज योर हैंड्स. सोडा वाटर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? मिक्सचर ऑफ किन दो चीजों का मिक्सचर होता है? सोडा प्लस वाटर, और यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, नेक्स्ट इज विनेगर. विनेगर मिक्सचर ऑफ, सो दैट इज द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी. फिल्टर्ड टी, हाँ जी, फर्स्ट राइट. हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस? चाय फिल्टर होने के बाद एक ही है. चाय पत्ती तो अलग नहीं आती नजर. ठीक है, फिर तो हेट्रोजीनियस है. ठीक है, सो दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज, राइट डाउन. गिव एन एग्जाम्पल. अच्छा, ये मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके, फ्रॉम द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स पार्ट, नेम अ लस्ट्रस नॉन मेटल. नेम अ लस्ट्रस नॉन मेटल. कमर नूर,
Very good. That is iodine. A non-metal which exists as liquid at room temperature. Non-metal है. That is bromine. The allotropic form of a non-metal that is actually a good conductor of electricity. The allotropic form of non-metal, एक non-metal है उसकी हम allotropic form ले रहे हैं, that is a good conductor of electricity. Graphite, very good. And that is the allotropic form of ठीक है. Name an the allotropic form of non-metal which is a good conductor of electricity. इसमें आप जो non-metal ले रहे हो वो carbon ले रहे हो और ये carbon की allotropic form है कौन सी? Graphite. पता ना diamond graphite they are allotropic form of carbon. Okay. Name a non-metal which is known to form the largest number of compounds. Largest number of compounds. Renuka, you can lower your hand, beta. ऐसा non-metal जो number of compounds बनाता है. Carbon. ठीक है. Carbon की ही तो forms हैं diamond and graphite. ठीक है. तो कार्बन इज दी एलिमेंट. फुलरीन्स क्या? फुलरीन्स बोल रही हूँ. बकमिंस्टर फ्लोरीन. नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रॉफी. कार्बन के अलावा और कौन शो करता है एलोट्रॉफी? यू कैन राइट डाउन सल्फर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर नॉट कंपाउंड्स. इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है. पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड है कि नहीं? क्योंकि पोटेशियम का बना है और क्लोरीन का बना है. क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस अकेली क्लोरीन है. अकेली चीज जो है डेट इज नॉट अ कंपाउंड. ठीक है. कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और मिक्सचर्स. ठीक है. आयरन. आयरन सल्फाइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड? FeS. आयरन सल्फाइड सल्फेट है ना. सल्फाइड का आइड करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में. बताऊंगी मैं सर. मैंने कहा नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड. सल्फर पाउडर. सल्फर पाउडर. नेक्स्ट राइट डाउन. Name the process by which you can separate muddy water, kerosene and water, iron fillings and sand, sulfur and charcoal, carbon disulfide. Tincture of iodine is? Tincture of iodine is? Iodine and alcohol. So it is a solution of iodine in alcohol. Okay. Tincture of iodine. चलो ये तो हमने अभी discuss कर ही लिया. Find out mixtures which have uniform composition throughout are homogeneous mixtures. Yes,
A homogeneous mixture can have a variable composition. Yes. Yes. Homogeneous mixture. Heterogeneous mixture have non-uniform compositions. Yes. All of these. You have to identify the correct obstacles. Beta mention leaching by leaching in air. You have to identify the correct statement. Mixtures which have uniform composition throughout are called homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures can have variable composition. Heterogeneous mixtures have non-uniform composition. Or all of these. Anjum, see, you are saying heterogeneous mixtures have non-uniform composition. That is only the correct one. Anyone else? First one, the homogeneous mixtures can have variable composition. Many options. You prepared a super solution. Super solution is which type of mixture? आपने 2 टेबलस्पून शुगर डाली थी, मैंने आपको कह दिया 4 कर दो, मिक्सचर चेंज हो गया, कंपोजिशन भी चेंज कर पाई है, मिक्सचर को भी चेंज हुआ, दैट मींस द आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन से हम कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. A mixture in which one component is soluble in a solvent. A mixture in which impurities are soluble in solvent. A mixture in which both the components are soluble in a solvent. A mixture in which both the components are insoluble in water. पहली बात तो आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन. में सबसे पहले एक कंपोनेंट होगा, तो आप सी बोल रहे हो, दो कंपोनेंट्स कह रहे हैं, तो आप सी ऑप्शन कह रहे हो, उसमें दो कंपोनेंट्स कह रहे हैं. क्रिस्टलाइजेशन में तो हम देखते हैं ये कंपोनेंट है जिसके हमें क्रिस्टल्स बनाने होते हैं, उसको डालने हैं सॉल्वेंट में. A mixture in which one component is soluble in the solvent. If that motion of the first phase particle in a collider system is called very good, that is called Brownian motion. Okay, next you have to tell which of the following statement is or are incorrect. आपको कौन सी statement इसमें से correct नहीं लगती है? All the constituent particles of a pure substance are the same in their chemical nature. All the constituent particles of a pure substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of single type of particles. Most of the matter around us exist as mixtures of two or more compounds or all of these. हाँ जी बेटा, जो आपको सही नहीं लगता. Okay, that's right. If the components of a substance can be separated by a chemical change, only then it is a element mixture compound. So we can separate the compounds with the help of chemical methods of separation. Next is a fine particles of insoluble substances uniformly dispersed throughout a gas or liquid is known as impurity, precipitate, colloids, or suspensions.
affine particles of insoluble substance uniformly dispersed throughout a gas or liquid. फाइन भी बोला उन्होंने, बहुत पतला फाइन. फिर मैंने वहां पे बताने आना है कि फाइन है, फिर आप लिखोगे कोलाइडल. सो दैट इज दी कोलाइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, जिसमें जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, दे आर सस्पेंडेड फ्रीली. क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं इन द लिक्विड और द गैशियस मिक्सचर्स. ओके, write down the next one. Substance P has following properties. कहते एक substance P है, इसकी properties हैं कुछ. ये 80 degree Celsius पे melt कर जाती है. Melt at 80 degree Celsius. Boils at 150 degree Celsius. Insoluble in water. Which method of separation would you use to obtain pure P from a mixture of P and water? Very good. Which type of separation technique will you use in order to separate the P from a mixture of P and water? बोला ना उन्होंने कि वो insoluble है पानी में, तो filter कर लो बस सीधा. What kind of solution is a gel? Emulsion, mixture, suspension or collide? Collides. Pigments of natural color can be separated by? Smoke is the example of? सुन तो लो, options भी तो सुन लो पहले. Gas dispersed in liquid. अब इसका क्या मतलब है? Gas है जिसको किसमें disperse किया हुआ है? Liquid. यानी कि gas यहाँ पर क्या है? कम है. That is a dispersion phase. ठीक है, and liquid is a dispersion medium. तो आपने बताना है smoke is an example of. ये आप खुद भी बता सकते हो. थोड़ा सा सॉलिड, ज्यादा गैस में डिस्पर्स. तो दैट इज द करेक्ट आंसर, इज सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस. इफ वी हीट आयोडीन देन इट इज अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कलर चेंज, नो चेंज. इफ वी हीट आयोडीन, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, नो चेंज और कलर चेंज. Those who are saying chemical, how chemical? जो फिजिकल कह रहे हैं फिजिकल कैसे हैं? जो नो कह रहे हैं नो कैसे हैं? Okay, you all have done the topic of sublimation. Yeah? Yes, ma'am. What do you mean by sublimation? When a solid substance directly changes into? Yes. Achha, examples bhi bata do. Naphthalene balls. Naphthalene balls. Camphor. Ammonium chloride. याद आ गया. एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड एंड आयोडीन. आयोडीन इज आल्सो अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन का प्रोसेस फिजिकल चेंज होता है कि केमिकल चेंज? सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, फिर जाके वो किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में. तो दैट चेंज इज अ फिजिकल चेंज. बस कीजिए. यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज इज अ करेक्टली मैच्ड. राइट डाउन एमल्शन, कर्ड. लिखने लगे हूँ बेटा. आपने करेक्ट मैचिंग बतानी है, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच्ड है विद एग्जांपल और रीजन. एमल्शन फॉर कर्ड, ये कॉम्बिनेशन सही है. फॉर्म फॉर मिस्ट,
aerosol for smoke. Solid soul for cake. With explanation. ये देख लो. You have to tell with explanation. Bottle. बोलो बेटा. तो इसलिए इसको एरोसोल कह रहे हैं. एक गैस इन्वॉल्व है और एक सॉलिड इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एरोसोल. एमल्शंस क्यों नहीं? एमल्शन में मिल्क आता है, कर्ड क्यों नहीं आता? यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंसेस आ गई तो डैट इज सॉलिड इन लिक्विड वाला एमल्शन नहीं होता, लिक्विड लिक्विड वाला एमल्शन होता है. फॉर्म एंड मिस्ट. फॉर्म बताओ. फॉर्म दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, गैस इन सॉलिड और दूसरी सॉलिड इन गैस. तो यहाँ पर मिस्ट जो है डैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर डैट. ठीक है. सॉलिड सोल. सॉलिड सोल में दोनों सॉलिड्स होते हैं. यहाँ पर केक में हम दोनों सॉलिड्स नहीं ले रहे. ठीक है. डैट इज द करेक्ट आंसर. तो ये करेक्ट आंसर इज सी, एरोसोल विद स्मोक. Okay, you have to tell the correct option for that. ठीक है. इसमें से कौन सी statement जो है वो correct है chemical changes के लिए? Never accompanied by exchange of heat and light energy. Permanent, irreversible, new substances produced. Always accompanied by exchange of light. Temporary, reversible, and a new substances produced. केमिकल चेंज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस. ओके. आउट ऑफ दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है आपने वो आइडेंटिफाई करनी है. तो मेरे को आंसर तो बोलने, क्वेश्चन तो बोलने दो. कोलाइड्स आर होमोजेनियस. Collides show Tyndall effect. Yes. Collides show Brownian movement. Yes. Size of collider particles ranges between 1 to 100 nanometers. Okay. Now tell me this. You have to select the incorrect statement. Or ये multiple है. Multiple in the sense 1, 2, 3, 4 ऐसे करके statements हैं. 1, 2 option हो सकता है. 2, 4 option हो सकता है. बाहर ही देख ले. चलो. और मैंने रिपीट नहीं करना. इफ यू वांट टू राइट यू कैन. फर्स्ट इज ऑल्दो आइस वाटर वाटर वेपर्स ऑल लुक डिफरेंट. कहते हैं आइस वाटर एंड वाटर वेपर सारे डिफरेंट हैं. डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर केमिकली सेम. ये इनकरेक्ट लग रही है आपको. ओके. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. दिस इज आल्सो ट्रू. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. फिर इनकरेक्ट कौन सी रही? आपने तो सारे ही ऐसे ऐसे कर दिए. फर्स्ट वाली ठीक है बेटा. कहते सारे डिफरेंट है. आइस वाटर एंड वाटर वेपर केमिकली तो सारे सेम है. केमिकली उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. लास्ट वाली भी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की जो उसको पानी से अलग कर रही है. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी. ऑयल और वाटर का तो केमिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, फोर्थ.
Next, write down. Solutions with low concentration of solutions are called concentration of solutes. Solutions with low concentration of solutes are called concentrated dilute solvents and none. जिनमें कम सॉल्यूट होता है वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? डाइल्यूट. वेरी गुड. व्हिच गैस प्रेजेंट इन द एयर हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस व्हिच सेटल्स टू द बॉटम? सेडिमेंट्स. assertion reason bhi the. Chaliye assertion reason batao aap mujhe.